इस पर हैरत नहीं कि आतंकी फंडिंग पर निगाह रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने फिर यह पाया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषित करने वाले तौर तरीकों पर लगाम लगाने का काम नहीं किया है। एक ऐसा देश जिसने आतंकवाद को अपने शासन का हिस्सा बना रखा हो और जहां की सेना आतंकी संगठनों को पालने पोषने का काम करती हो, उसके बारे में यदि FATF यह उम्मीद कर रही है कि वह आसानी से सही राह पर आ जाएगा तो यह खुशफहमी ही अधिक है। क्या यह अजीब नहीं कि पाकिस्तान 27 बिंदुओं में से 5 पर ही उम्मीदों पर खरा उतर सका, फिर भी उसे मोहलत दे दी गई। कहीं पाकिस्तान को यह मोहलत चीन, तुर्की और मलेशिया की पैरवी के कारण तो नहीं मिली। सच जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां चीन इस समय FATF का प्रमुख है, वहीं मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान के नए हमदर्द बनकर उभरे हैं। भारत को यह समझना होगा कि आतंक समर्थक पाकिस्तान के प्रति FATF की ओर से पर्याप्त शक्ति न दिखाया जाना शुभ संकेत नहीं है। पाकिस्तान आसानी से आतंक की राह छोड़ने वाला नहीं। इसका प्रमाण केवल यही नहीं कि वह FATF के दबाव के बावजूद आतंकी संगठनों को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा, बल्कि यह भी है कि वहां के शासक इसे अपनी जीत के रूप में रेखांकित कर रहे हैं कि उनका मुल्क काली सूची में शामिल होने से बच गया। वहां के मीडिया का यही स्वर है कि अगर पाकिस्तान काली सूची में नहीं जा सका तो यह उसकी जीत ही है। ऐसे स्वरों से यह अच्छे से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि वह आतंकवाद के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने के कारण एक वैश्विक संस्था की ग्रे लिस्ट में है। यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि ऐसा ढीठ देश उसका पड़ोसी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां उसकी ओर से पाकिस्तान की घेरेबंदी जारी रहे, वहीं अगर वह आतंक का रास्ता ना छोड़े तो उसे FATF की काली सूची में अवश्य डाला जाए। FATF की काली सूची में जाने पर पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया के बाद ऐसा तीसरा देश होगा जिसे विश्व समुदाय दुनिया के लिए खतरे के तौर पर देखेगी। सच तो यह है कि वह अभी भी दुनिया के लिए खतरा ही है। उचित यह होगा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शरीकी संस्थाओं को इससे परिचित कराए कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे किस्म किस्म के आतंकी जितना भारत के लिए खतरा बने हुए हैं, उतना ही अफगानिस्तान के लिए भी। इसमें संदेह नहीं कि भाजपा सरकार ने 3 सालों में सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए बजट निर्धारण में कोई कोताही नहीं रखी, लेकिन यह भी सच है कि सड़कों की गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं केंद्रित किया गया जितना कि होना चाहिए था। यही वजह है कि सड़कों की दुर्दशा हर जिलों में खबरें बनती रहीं और सदन में भी इस पर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन यह आवाज़ें आंकड़ों के नक्कारखाने में दबकर रह गईं।
यह महज संयोग है कि हेलीकॉप्टर खराब होने से मुख्यमंत्री को 3 दिन पहले मऊ के कोपागंज से वाराणसी तक 125 किलोमीटर की उस सड़क पर यात्रा करने को बाध्य होना पड़ा, जिसकी बदहाली बीते लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के मंच का एक बड़ा मुद्दा थी। खुद हिचकोले खाने के बाद मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि राज्य में सड़कों की क्या स्थिति है। इसके तत्काल बाद उन्होंने लोक निर्माण समेत 4 विभागों के टेंडरों के ऑडिट का फैसला किया। वस्तुतः राज्य सरकार को यह फैसला बहुत पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि सड़कें ही किसी राज्य में विकास का पैमाना है। यह अजब है कि प्रदेश में भाजपा ने सत्ता में आने के बाद पहला बिगुल गड्ढा मुक्त सड़कों का ही बजाया था और इसकी सफलता में उसके पास आंकड़ों की लंबी सूची है। सरकारी दावों की बात करें तो 2018-19 में ही 44,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा 20,000 किलोमीटर से अधिक मार्ग नवीनीकृत किए जा चुके हैं। इससे पहले 2017-18 में 72,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त की गई थीं। इस वित्तीय वर्ष में गड्ढा मुक्त सड़कों और नवीनीकरण के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फिर भी खुद मुख्यमंत्री का ही हिचकोले खाती सड़क से साक्षात्कार हो रहा है। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साल में 1-2 बार भी कम से कम 100 किलोमीटर सड़क यात्रा पर निकलें तो उनका सामना धरातल की कई और सच्चाइयों से होगा, जिन्हें आंकड़ों के पर्दे से छिपाया जाता रहा है।